नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव राउत, यूके पीएससी स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, बात करते हैं बड़ी खबर जो कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो कि राम गढ़वाल ने जो कि अभी दी है। तो दोस्तों, सबसे जो कि हमारा मेन पॉइंट है कि वीडियो बीपीओटी एग्ज़ाम, जो कि आप देख सकते हैं, वीडियो बीपीओटी का एग्ज़ाम 9 को ना होके 23 जुलाई को होगा। आयोग 9 को ना होके 23 जुलाई को करें आयोग। तो दोस्तों, 9 जुलाई को, क्योंकि इसलिए इस कारण जो कि ये एग्ज़ाम 23 जुलाई को होगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि जुलाई के महीने जो कि उत्तराखंड में कितने कांवड़ यात्री आते हैं, जिसके कारण जो कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। इसलिए जो कि बेरोजगार संघ की मांग है कि यह एग्ज़ाम जो कि 23 जुलाई को कराया जाए, और जो कि आयोग का इस पर अभी फाइनल संवाद आना बाकी है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि वीडियो पीपीओटी एग्ज़ाम या 9 को होता है या कि 23 जुलाई को। वैसे तो आयोग आयोग इस पर जो कि अपना संवाद जारी करेगा। इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों कि जो कि यह पेपर जो कि 23 जुलाई को होने के चांस है, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता है कि जुलाई के महीने ज़्यादा कांवड़ यात्री आते हैं। तो दोस्तों, तो बात करते हैं अपनी दूसरी खबर। तो दोस्तों, जो हमारी दूसरी आज की जो कि लेटेस्ट जानकारी है, ये कनिष्ठ आयोग वालों के लिए, इनके जो कि 746 वालों जो कि कनिष्ठ आयोग में भाई भर्ती हुए, जिनका जो कि अब ज्वाइनिंग होने वाली है, 746 वालों, शुक्रवार तक, जो कि नहीं, शुक्रवार या 20 जून से पहले इनको अच्छी खबर मिलने वाली है और उनके लिए ज्वाइनिंग संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी। और जो तीसरी खबर, जो दोस्तों चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। तो देखते हैं दोस्तों तीसरी खबर। तो दोस्तों, जो कि तीसरी खबर इस प्रकार है, आने वाली पुलिस भर्ती, जो दोस्तों जो कि आप सभी के लिए एक लेटेस्ट लेटेस्ट जानकारी, जो कि आप पुलिस की भर्ती जो उत्तराखंड में आएगी, जो कि आपको पता है कि आने वाली पुलिस भर्ती जो कि 1550 पोस्ट पे जो कि मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा कर चुके हैं कि ये नई भर्ती आएगी। दोस्तों, आप जो पहले जिस जो 2022 या 23 में भर्ती हुई थी, उसमें जो कि पूरे उत्तराखंड में मेरिट बनी थी, अब दोस्तों उस हिसाब से नहीं होगा। अब जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे सपोर्ट डेट आप देख सकते हैं दोस्तों कि पौड़ी के लिए 80 सीट है, तो 80 सीट पे पौड़ी के बच्चों की वहाँ मेरिट पड़ेगी। चमोली के लिए जो कि सपोर्ट डेट 200 या 100 वैकेंसी है, तो चमोली के बच्चों की वहाँ मेरिट बनेगी। हरिद्वार के लिए अगर 50 पोस्ट है, तो 50 पोस्ट 50 बच्चों की सिर्फ जो हरिद्वार में रहते हैं, और हरिद्वार की वहाँ मेरिट बनेगी। और उसी प्रकार आप देख सकते हैं उत्तरकाशी, जैसे आपका उत्तरकाशी हो गया, उसमें अगर आके बच्चों के लिए अगर 80 पोस्ट है, तो 80 बच्चे जो कि उत्तरकाशी की इसमें निकलेंगे, जो कि अब पुलिस आने वाली पुलिस भर्ती जो कि उसमें अब आने वाली पुलिस भर्ती में जिले वाइज जो कि जिले वाइज अब पोस्ट आएंगे, जैसे उत्तरकाशी 100, पौड़ी 80, पौड़ी जो कि बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी 200 भी हो सकता है, 200 या 180, देहरादून 80, ऐसे में अब पोस्ट आएंगे, और इसी हिसाब से आगे अब जो कि मेरिट बनेगी नई पुलिस भर्ती में। अब तीसरे और चलते हैं दोस्तों, तीसरा जो हमारा लेटेस्ट तीसरा पॉइंट, जो कि हमारा चौथा पॉइंट याद है दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड, जो कि आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि फॉरेस्ट गार्ड, जो कि फॉरेस्ट गार्ड 2020 की भर्ती, 2020 के फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती में 93 पदों पर आपके जो कि वेटिंग लिस्ट आने वाली है। और जो कि हमारा चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, कि आने वाले समय में आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आने वाले समय में यूकेएससी एग्जाम में अब गढ़वाली भाषा, जो कि आपको अब गढ़वाली मुहावरे, उखाण, जो कि आप पावणा बोल सकते हैं इसको, गढ़वाली भाषा के मुहावरे आएंगे। दोस्तों, तो आपको कैसे लगी ये जानकारी? जितने भी दोस्त अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों, आपका एक एक मुझे एक एक सब्सक्राइब बढ़ने से बहुत खुशी होगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो कि दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों, आपको तो पता है मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के लिए, तब तक जय देव उत्तराखंड, जय भारत।